हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने देखा 7 तारीख को हमास वालों ने जो गाजा पट्टी में जो है आतंकवादी संगठन, उन्होंने जिस तरह से इसराइल पे अर्ली मॉर्निंग में अटैक किया और तमाम इनोसेंट लेडीज, जेंट्स, बच्चे सबको मारा। अभी दिखा रहा था कि एक एरिया में 40 बच्चों को गला काट दिया उन लोगों ने, जला दिया ड्रम में डाल करके। तो इतना बूचर एक्ट करेंगे तो अब इसराइल की बारी आई है। इसराइल ने पूरे गाजा पट्टी को पटरा कर दिया है बमों से। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग इसराइल का क्रिटिसाइज करने वाले हैं, पहले आईने में अपना मुंह देख लें। इसराइल को जो नुकसान पहुंचाया है ना हमस वालों ने, किसी को भी हमस का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इसराइल अब जो कर रहा है बहुत अच्छा कर। हम लोग तो कभी भी ज्यादती करने वालों का साथ नहीं देते हैं, इसलिए हम हमेशा इसराइल के साथ हैं। और इसराइल, अगर कोई भी देश खुदा इसराइल के अगेंस्ट कुछ भी किया तो मैं लिख के देता हूँ कि अमेरिका ओपनली आ जाएगा वार में। और अमेरिका अगर वार में आ गया तो आप लोगों ने देखा होगा इराक का हाल, लीबिया का हाल, अफगानिस्तान का हाल। बमों से पटरा कर देंगे, पूरा देश ही नेस्तनाबूत कर देंगे। और जब अमेरिका आ जाता है लड़ाई में तो वहाँ के जो किंग है ना, सब गायब, सत्ता ही बदल जाती है पूरी। तो अरबियन देश को होश के नाखून लेना चाहिए। और देख रहे हैं लेबनान के हिजबुल्ला भी जो है वहाँ से मिसाइल फेंक रहे हैं, उसका भी जवाब दे रहा है इसराइल। इतना बहुत ताकतवर देश है इसराइल, धोखे से कोई कुछ कर ले तो कर ले। आप देखिएगा हमास ने जो कुकृत किया है उसका जवाब आप देखिएगा कि ये जो गाजा पट्टी है ना, यहाँ से सारे बस्तियां खत्म हो जाएंगी, पटरा खत्म कर देगा। अभी तैयारी कर रहा है इसराइल लैंड से ऑफेंसिव स्टार्ट करने के लिए, टैंक वगैरह बॉर्डर पे जाकर लगा दिया है। आप देखिएगा, कुछ समय बाद सुनिएगा, उनका दाना पानी बिजली सब बंद कर रखा है गाजा पट्टी के लोगों का। और जो उनकी इजिप्ट से जो सीमा लगती है वहां पे इजिप्ट को भी बोल दिया है कि इनको कुछ भेजो मत, नहीं तो समझ लेना। और इजिप्ट एक बार इसराइल पीट चुका है इजिप्ट को अच्छी तरह से, तो अब देख लीजिएगा क्या होता है आगे। और इसराइल वालों को के साथ हमारा दिल है, धड़क रहा है इस समय। जिस तरह इनोसेंट लोगों को मारा गया है तो इसराइल के साथ हमारा दिल धड़क रहा है। और मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिया है इसराइल को सपोर्ट करने का, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। हम लोग कभी हितैषियों के साथ हो ही नहीं सकते हम। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इतना हृदय विदारक दृश्य देख करके इसराइल का, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि किस तरह के बूचर ये कट्टरवादी लोग हैं जो है, इनको ह्यूमन लाइफ का कोई जिससे चिंता ही नहीं है। तो ठीक है, भुगतो, अब इसराइल वाले तुमको सबक सिखाएंगे। और इसराइल किसी की सुनने वाला नहीं है इसमें, उसको अमेरिका का, यूरोपियन सबका सपोर्ट तो मिला ही हुआ है, वो किसी का नहीं सुनेगा। आप देखिएगा क्या हालत करता है इन लोग का, जो गाजा पट्टी में लोग रहते हैं ना, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।